हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी आईटेल कीपैड का फ़ोन है तो कैसे आप टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही सिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे टॉप में लेफ्ट साइड में जो बटन जो है, आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है ऐप को। ऐप को ओपन करने के बाद जो है, आपको ठीक लेफ्ट साइड वाले बटन पर क्लिक करके स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आपको नीचे वाले बटन पर क्लिक करके सबसे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको बीच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप में देखने को मिल जाता है टॉर्च, तो आपको बीच वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है, आपको ऊपर वाले बटन पर स्क्रॉल क्लिक करके स्क्रॉल कर लेना है और आपको बीच वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। तो अब देख सकते हैं टॉर्च लाइट जो है ऑन हो चुका है। तो आप इसी तरह से टॉर्च लाइट को ऑन कर सकते हैं। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, व्हाट्सअप से रिलेटेड, इंस्टाग्राम से रिलेटेड, कीपैड फ़ोन से रिलेटेड, एंड्रॉइड फ़ोन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।